पब्लिक टीवी आपकी आवाज। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं का परीक्षा परिणाम आने के बाद मुरादाबाद के सत्य साई कन्या इंटर कॉलेज के प्रबंधन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें 100 से ज्यादा छात्राओं ने कॉलेज में जमकर नारेबाजी कर वहां हंगामा किया और कॉलेज के गेट पर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। मुरादाबाद के प्रशासनिक अधिकारी कॉलेज के आगे धरने पर बैठी छात्राओं को समझाने पहुंचे, लेकिन छात्राएं किसी भी कीमत पर बिना पास हुए मानने को तैयार नहीं है। छात्राओं का आरोप है कि उनके पिता ने कोरोना काल में आर्थिक संकट के चलते पूरी फीस जमा नहीं की थी, लेकिन उन्होंने फिर भी परीक्षा दी थी। लेकिन जब आज परीक्षा का परिणाम आया तो 120 छात्राएं फेल आईं। जानकारी करने पर छात्राओं को पता चला कि फीस जमा न करने के कारण स्कूल के प्रधानाचार्य ने उनकी गैर हाजिरी लगा दी, जिसकी वजह से 120 छात्राएं फेल हो गई हैं। क्या है? मेरा नाम प्रिया है और मैं मेरे रिजल्ट में एब्सेंट लिखा हुआ है, जबकि मैम ने बोला गया था कि हम मतलब कि कर देंगे तुम्हें पास और हमें फीस के तौर पर एग्जाम नहीं देने दिए गए। हमें एग्जाम देने नहीं दिए गए प्री बोर्ड, और हमसे कह दिया फीस सबमिट नहीं है, एग्जाम नहीं दोगे, 11th के बेस पे तुम्हें पास कर दिया जाएगा एंड 10th के जो प्री बोर्ड तुमने जो बोर्ड्स वगैरह दिए हैं उसके बेस पे तुम्हें पास कर दिया जाएगा। और आज हमारा रिजल्ट आया तो हमें एब्सेंट का हमने देखा, सारे सब्जेक्ट पे ये समझ लीजिए एब्सेंट लिखा हुआ था, ट्रिपल ए लिखा था। कौन सी क्लास में हैं आप? मैं 12th में। तो आज आप इतने सारे यहाँ इकट्ठे हुए हैं किस लिए हुए हैं? हमें पढ़ाई चाहिए भाई, नियर चाहिए, हमें पास किया जाए, जैसे और अच्छी दिया गया हमें भी आ जाए। कितने बच्चों को, कितने बच्चे फेल हुए हैं? 100 क्लास है। तो क्या लगता है आपको किस वजह से फेल किया गया? फीस सबमिट नहीं की गई थी इसलिए हमें एग्जाम नंबर नहीं भेजे, फीस की वजह से एब्सेंट लगा दी गई हमारी। यहाँ फीस की वजह से बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई है। उन्होंने कहा है कि इन्होंने प्री बोर्ड नहीं दिया है, लेकिन बच्चों की फीस की वजह से ये प्री बोर्ड नहीं हुआ है, और ये एक बच्ची के साथ नहीं बाकी सभी बच्चों के साथ हुआ है। और हम यहाँ 3:30 रिजल्ट आ गया था, उसके बाद हम 4 से सारे पेरेंट्स थे और अब तक खड़े हैं। प्री बोर्ड देने आए थे, प्री बोर्ड देने आए थे, लेकिन फीस के चक्कर में बच्चों को वापस कर दिया, 3-3 तक खड़ा करते थे, फोन करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने एक कॉल भी नहीं करी कि आपका बच्चा प्री बोर्ड के मार्क्स जुड़ेंगे, आप इन्फॉर्म तो करते। इन्होंने तो हमारे बच्चों का सारा साल ही खराब कर दिया कि एब्सेंट शो कर दिया है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, लग संज्ञान में आज रिजल्ट आया ना यूपी बोर्ड का, 10th 12th का सारा आया, तो उसमें ये है कि इस कॉलेज में कुछ बच्चियां हैं जो कि मेरे ख्याल से फेल हो गई हैं। इनका ये कहना है कि इनकी फीस जमा नहीं थी, जिसकी वजह से कॉलेज प्रशासन ने इनको जो है इनकी अटेंडेंस नहीं लगाई और एब्सेंट करके भेज दिया, जिसकी वजह से ये फेल है। इतना मामला है तो इस पे जो है एक टीम गठित की जाएगी। वो सर छात्राओं के गंभीर आरोप भी हैं कि यहाँ के टीचर छेड़छाड़ करते हैं और साफ सफाई करवाते हैं, क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं तो वो संज्ञान में अब आया तो उस पर कार्रवाई की, केवल फीस की वजह से ऐसा किया जाता है बच्चों के साथ। ठीक है, और इसमें बहुत से क्या कार्रवाई की जाएगी अभी जो सर आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया है? नहीं, आश्वासन यही दिया गया है कि जो भी अगर इनके साथ गलत हुआ तो ये निकल के सामने आएगी, इसमें एक टीम गठित होगी, है ना, टीम गठित होगी, उसके बाद वो डिसाइड करेगी भाई, एक कंक्लूजन निकाला जाएगा, और यही रहेगी कोशिश हमारी कि जल्दी से जल्दी इनका जो है जस्टिस हो, क्योंकि अब बच्चियां हैं, कन्या विद्या कॉलेज है। ठीक है, पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।